हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो आज का व्लॉग मैंने घर से स्टार्ट नहीं किया है, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दुर्ग के रेलवे स्टेशन से। तो मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। एंड कई लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा उज्जैन का ही ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम साल में एक बार या कभी कभी दो बार भी उज्जैन जाते हैं महाकाल जी के दर्शन करने के लिए, इसलिए आपको उज्जैन का ही ब्लॉग देखने को मिलता है। और रेलवे स्टेशन में हमेशा की तरह चल रही है सफाई। ये मॉर्निंग का टाइम है तो हम सो के उठ चुके हैं, और वैसे भी ट्रेन में तो सुबह सुबह आपको सोने मिलता ही नहीं है। क्यों, देख लीजिए। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेके आ गए हैं ढोकला, क्योंकि ढोकला बिल्कुल भी ऑयली और हैवी नहीं होता, और मॉर्निंग में उठते ही बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं होता, और ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इतनी गर्मी में उज्जैन आ रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा ईयर के स्टार्टिंग में या फिर ईयर के लास्ट में हम उज्जैन आते हैं, तब उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। बट मैं आपको बता दूं कि उज्जैन आने का हमारा मेन रीज़न होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड महाकाल जी के ज़्यादा दिन तक के दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। उनको जब भी इच्छा होती है महाकाल जी के दर्शन करने की, तब हम उज्जैन आ जाते हैं। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। ये है उज्जैन का रेलवे स्टेशन। ट्रेन की एसी में तो गर्मी का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम ट्रेन से बाहर आए तब हमें पता चला कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उज्जैन में जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं वैसे बहुत सारे ऑटो वाले मिलते हैं, तो इस बार हमने वहाँ से ऑटो बिल्कुल भी नहीं लिया और हम रेलवे स्टेशन से पूरे बाहर ही निकल गए। हमारी फर्स्ट चाय। जो भी पहली बार उज्जैन जा रहे हैं या उज्जैन जाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलवे स्टेशन से आप जैसे बाहर निकलोगे तो बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं। अगर आपने रूम बुक नहीं किया है तो आप वो ऑटो वाले के साथ जा सकते हैं। वो सिर्फ 100 रुपीज़ लेते हैं और आपको बहुत सारे होटल्स भी दिखाते हैं, देन आप अपनी पसंद के होटल में स्टे कर सकते हैं। अगर आप होटल पहले से बुक करके आए हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन से पूरे बाहर निकल जाइए और वहाँ पे जो नॉर्मल रोड पे जो ऑटो ई रिक्शा चलते रहते हैं, तो आप वहाँ पर जाके उनको होटल का नाम बताइए और वो आपको डायरेक्ट 50 रुपीज़ में लेके चले जाएंगे। हम इतने टाइम से उज्जैन आ रहे हैं और उज्जैन का ये ऑटो वाले का फिक्स प्राइस होता है। हम होटल्स बहुत पहले से ही बुक कर चुके होते हैं, इसलिए हम रेलवे स्टेशन से बाहर से ही ऑटो लेते हैं। एंड फाइनली हम पहुंचने वाले हैं होटल पे, जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं, और हमेशा हम यहीं स्टे करते हैं क्योंकि ये होटल मंदिर के बहुत ही ज़्यादा पास है। आई होप गाइस कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और आगे के व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। अभी के लिए बाय गाइज़।